एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है, और यही हाल राजनीति का भी है। इसीलिए तो जैसे ही बिहार में मोदी सरकार की जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और लालू यादव के पूरे खानदान के मकान, दालान, दुकान खोजना शुरू किया कि लालू यादव ने अपना इमोशनल कार्ड खेल दिया। परिवार ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे बीजेपी के सारे हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी राजश्री यादव को परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप ये कि राजश्री यादव को छापे के दौरान 15 घंटे तक बैठाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर तो पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, वहीं अब लालू यादव ने अपने इमोशनल कार्ड खेलकर बीजेपी को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। और ये एक ऐसी घेराबंदी है जिससे साधारण लोगों का भी दिमाग घूम सकता है, साथ ही साथ उनका भी दिमाग घूम सकता है जो बीजेपी के समर्थक है, क्योंकि कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सियासत के खेल में एक गर्भवती महिला को घसीटा जाए और उसे परेशान किया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दिल्ली, NCR, पटना, रांची, मुंबई समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। ईडी की इस कार्रवाई के बाद लालू प्रसाद यादव का गुस्सा फूट पड़ा, तब जब ईडी ने उनके बहू को पूछताछ करने के लिए बुलाया। राजद सुप्रीमो ने तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी यानी राजश्री यादव को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनकी गर्भवती पत्नी को ईडी ने एक ही जगह पर 15 घंटे तक बैठाए रखा। लालू यादव का कहना है कि डॉक्टरों ने राजश्री को चलने फिरने की सलाह दी है, लेकिन ईडी ने राजश्री को एक जगह पर ही बैठाए रखा। अब यहाँ पे तेजस्वी यादव को ईडी का समन मिलने के बाद लालू यादव का तेजस्वी की गर्भवती पत्नी राजश्री का जिक्र करने और उनको लेकर ट्वीट करने के गहरे मायने हैं। ऐसा करके लालू यादव ने इमोशनल कार्ड खेला है, जो कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में शतरंज की चाल की तरह दूरदर्शी सोच और अचूक रणनीति बहुत मायने रखती है, और लालू यादव के पास बखूबी इस तरह के गुण मौजूद है। उनके पास 5 दशक का राजनीति तजुर्बा है, वो जनता के नब्ज को भी अच्छी तरह समझते हैं। अब राजनीति के जानकार का कहना है कि ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, तब लालू यादव ने जो इमोशनल कार्ड खेला है उनका असर भले ही अभी तुरंत ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में इसका असर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लालू यादव ने यहां यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी जो महागठबंधन के सफलता को लेकर बौखलाई हुई है, उसी का खुन्नस उन बच्चों पर निकाल रही है जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, और साथ ही उन लोगों पर निकाल रही है जो अभी अभी परिवार का हिस्सा बनी है। और अगर लालू यादव इसको समझाने में कामयाब रहे जनता को, तो आने वाले समय में मोदी को बड़ा धक्का लग सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।